हमने पूछा कि भाई प्रधानमंत्री कौन होगा, वही बात तो है, वो कह रहे हैं कि आग लगी है, आग लगी है, वो तो उनके बिल्कुल पहले आग बुझाएं, बिल्कुल उनके आगे लगी है, उनके घर में आगे लगी है, तभी ऐसे बिल्कुल शरद पवार को बनाएंगे, ममता बनर्जी को बनाएंगे, अरविंद केजरीवाल जी को बनाएंगे, किसको बनाएंगे, इनके पास विजन ही नहीं है कोई, इनको सब चोर चोर इकट्ठे करके बस में बांध दिया, पीएम बनने जा रहे हैं वो बनेंगे, ये तो सही बोल रहे हैं, हमें तो प्रधानमंत्री दुविधा क्यों है, दुविधा ये हर बार बड़ी पिक्चर क्लियर रहती है, इस बार दुविधा क्यों, दुविधा ये है ना, ये सभी चोर चोर इकट्ठे हुए हुए हैं, ठीक है ना, अभी ये देख रहे हैं इनमें बड़ा चोर कौन निकलता है, बीजेपी वाले पास तो है ऑलरेडी, उन्होंने बता दिया भी ये हमारा चेहरा है, ये जिसने सारा पूरा 10 साल देश में फिरका प्रस्ती का राज किया, और इनके पास अभी ऐसा कोई चेहरा नहीं जिससे देश को ये बांट सके, देश के बांट पंजाब में जो हालात हैं उसकी वजह से जो आज तक जो प्रधानमंत्री बनते रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस से रहे हैं, जो बीजेपी आ गई है, अब ये बीजेपी चली जाएगी, मतलब पंजाब स्टेट है ये सौतेला व्यवहार हमेशा तो है, हमारे लिए जो है बहुत बड़ा दुश्मन है, अगर कांग्रेस आती है तो उससे बड़ी दुश्मन है, ये तो जब पंजाब के लोग लेकिन मैंने पूछा कि प्राइम मिनिस्टर को लेकर कुछ तो ओपिनियन होना चाहिए, ओपिनियन क्या है, ओपिनियन 543 में से 500 तो गुंडे बदमाश है, वहाँ कौन ओपिनियन बनाएगा, सारा कुछ तो इसका सारी ओवरऑल ने चुनाव पे ही सवाल खड़े कर दिए, ये तो चुनाव पे ही सवाल खड़े कर दिए, हाँ बोलिए 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 बोलिए, हाँ रुकिए रुकिए, हाँ एक एक करके सभी महीने हो गए बोटा भैया ने सभी महीने दे बेचे एक बात आई है जल्दी से वो पूछ लेते हैं, महंगाई के को लेकर बीजेपी पे सवाल अक्सर होते हैं, मेरा ये सवाल है, जब महंगाई का सवाल आता है तो बीजेपी की तरफ से कहा जाता है कि लोगों की आय बढ़ी है, जीने का स्तर बढ़ा है, क्या ये लॉजिक सही है, क्योंकि लोग कहते हैं कि पेट्रोल डीजल सिलेंडर सबके दाम बढ़े, मैं वही बताता हूं, देखो जब भी ना कुछ ना कुछ होता है, जैसे मैं डेवलपमेंट की बात कर रहा हूं, अब वही जो अंग्रेजों के जमाने के थे वो रेलवे स्टेशन थे, अब हमारे संगरूर डिस्ट्रिक्ट में 3 रेलवे स्टेशन बहुत बड़े बने हैं जिन पे 1-1.8 करोड़, बहुत जिन पे रोड की बात करता हूँ, यहाँ से 6 मार्गी रोड बन रही है, अभी यहाँ से निकल रही है, ठीक है, मतलब जो दूसरे कंट्रियों को महंगाई का इससे क्या, मैं वही बोल रहा हूँ, जब डेवलपमेंट होती है, जरिए ऐसा थोड़ा बहुत होता है, जरिए हमने आपने आपका घर है, आपने कोई घर में कोई नई चीज बनानी है, कीमतों के बढ़ने का लोगों के जीवन पर पंजाब में असर पड़ा है कि नहीं पड़ा है, लोगों की आमदनी का बहुत बड़ा सोर्स भी बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, बेसिक नेसेसिटी जो किचन की है वो सभी की सभी महंगी हो चुकी है, इलेक्ट्रिकल बॉन्ड इलेक्ट्रिकल बॉन्ड लेके इन्होंने कीमतें बताई ने, इन्होंने पूंजीपतियां तो पैसे लेके सरकार बनाई है, हुण पूंजीपतियां नु फायदा देने लिए कीमतें बता रहे हैं, एक सवाल है इसी पूंजीपति से, पिछले 10 साल में 16 लाख करोड़ रुपया अपने चंद पूंजी मित्रों का जो मोदी साहब ने जो है माफ किया है, तो क्या जो दूसरे देश में हमारे पूरे देश में जो दूसरे व्यापारी हैं छोटा उद्योगपति है उनका पैसा वो माफ क्यों नहीं किया, अपने मित्रों का माफ क्यों किया, महंगाई की बात कर रहे हैं, 2014 के बाद अगर हम देखें सिलेंडर में कितनी बढ़ोतरी हुई है, महंगाई दर में कितनी बढ़ोतरी हुई है, पेट्रोल डीजल के दाम कहाँ चले गए, कोई एक बात ये बता नहीं सकते, इसके बाद एक बात मैं और